तो ये आप हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन लेवल पे मुश्तमिल है, एंडोमीन अंदर, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म से निकला है, रेटिकुलम मीन नेटवर्क, इट इज द नेटवर्क ऑफ चैनल प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक. Endoplasmic reticulum starts from the nuclear membrane of the nucleus and plasma membrane of the cell and end at the plasma membrane of the cell. ये देखो ये सारा endoplasmic reticulum मौजूद है. अब ये जो channel है इस channel को हम कहते हैं cisternae. क्या कहते हैं? cisternae. और इस channel के दरमियान जो space आ रही है उसको हम cisternal space भी कहते हैं. क्या कहते हैं? cisternal space भी कहते हैं. सिस्टर्नी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड है उस फ्लूइड से मिक्स नहीं होता और ना ही सिस्टर्नी अपना फ्लूइड उसके साथ क्या होने जाती है, मिक्स होने देती है. अब उसके बाद जो है ना, जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिवीजन करते हैं तो दो हमारे पास डिवीजन आती हैं, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, स्मूथ सरफेस को ऐसी सरफेस कहते हैं जिसके अंदर कोई द्राड़ ना हो, कुछ भी ना हो, स्मूथ हो, बिल्कुल साफ हो, उसे हम कहते हैं स्मूथ सरफेस. और रफ उस सरफेस कहते हैं जो खुरदरी हो, जो क्या हो, खुरदरी हो, जिसके ऊपर ऊंची नीचे चीज़ें मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं, रफ. अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं कि जिसके अंदर ऊपर रैबोसोम होती है, जिसका हम देखते हैं जब उसकी सरफेस हमें खुरदरी नजर आती है रैबोसोम की वजह से. किसकी वजह से? रैबोसोम की वजह से. उसे हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जिसके ऊपर रेबोसोम नहीं होते तो हमें बिल्कुल स्मूथ नजर आती है, बिल्कुल क्लियर सरफेस नजर आती है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब जब हम फंक्शन की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रेबोसोम होते हैं और रेबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस. तो इसका मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस. क्या काम है? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं. किस चीज़ की? प्रोटीन की सिंथेसिस. अच्छा, और दूसरा काम है, अगर ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराएंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस कराएंगे, अब प्रोटीन तैयार करने के बाद ये किस किस पास भेजेंगे? गाल्जी ऑपरेटर्स के पास. किसके पास? गाल्जी ऑपरेटर्स के साथ. क्यों भेजेंगे? किसके लिए? वहाँ उसकी जो है फार्मुलेशन होगी, वहाँ उसकी मजीद यानी फाइनलाइज होगी प्रोटीन जाके भी क्या करना है इस प्रोटीन का. तो इसका मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि प्रोटीन बनाने के बाद इन्होंने सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को प्रोटीन भेजनी भी है. तो इस वजह से ये किस चीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं? ट्रांसपोर्ट के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं. दो फंक्शन हो गए, एक तो रेबोसोम मौजूद थे प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर और दूसरा इन्होंने आगे भेजी प्रोटीन तो ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हो गए. और तीसरा, क्योंकि ये चैनल हैं, ये क्या हैं? ये चैनल हैं, तो चैनल होने की वजह से इनका कनेक्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी, सेल मेम्ब्रेन के साथ. इस वजह से ये सेल को सपोर्ट भी देती हैं, सेल को शेप भी देती हैं, सेल को सहारा भी देती हैं, सपोर्ट मीन शेप, सेल को सहारा भी देती हैं. तीन फंक्शन हमने पढ़ लिए, एक प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल और तीसरा सपोर्ट देती हैं. क्या देती हैं सेल को? सपोर्ट देती हैं सेल को, शेप भी देती हैं उसको, मीन उसका स्ट्रक्चर बाहर रखती है. और इसके बाद अब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके तीन चार काम है, वो आप जहन नशीन कर लें, थोड़ा सा देख लें. तीन काम उसके हो गए, तीन आप आगे पढ़ते हैं. इसका सबसे पहला काम है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग या पॉइजन की. क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग. हमने कोई दवाई खाई है पर क्या उसने एक्ट कर लिया हमारे ऊपर या हमारे अंदर कोई जहर गई है, तो जहर को डिटॉक्सिफाई करने वाला कौन होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक. और वह कैसे डिटॉक्सिफाई करेगा? वो उस जहर के साथ, उस दवाई के साथ OH ग्रुप लगा देगा. क्या लगाएगा? OH ग्रुप. ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दवाई के साथ क्या लगाएगा? OH ग्रुप. जब OH ग्रुप लगेगा तो वाटर उसके साथ रिएक्ट करके उसका अपने अंदर हल कर लेगा और वो दवाई बाहर खारिज हो जाएगी. समझ लगी है? एक काम इसका. और दूसरा काम इसका है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. लिपिड की मेटाबॉलिज्म कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इसके अलावा जो प्रोटीन है जो यहाँ पैदा हो रही है वो स्टोर भी करता है. स्टोर का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है. स्टोर का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है. स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे भी काम करता है. प्रोटीन के सिंथेसिस भी कराता है और उसकी स्टोर भी कराता है. और आखिरी जो है वो नर्व जो इम्पल्स है उसकी ट्रांसमिशन के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सात इसके फंक्शन है, अगर आप थोड़ा सा तरतीब से देखेंगे याद हो जाएंगे. सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है
और दूसरी तौर पे प्रोटीन को स्टोर करता है। प्रोटीन को क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रेटिकुलम, ये आप छोड़ दें, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रोटीन की क्या करता है? सिर्फ रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ सिर्फ एक का फंक्शन लिखेंगे, वो क्या कहेगा? प्रोटीन की संचरण कराएगा। उसके बाद प्रोटीन की जब संचरण होने के बाद प्रोटीन स्टोर करनी है, वो दोनों के अंदर स्टोर हो जाएगी, रफ के अंदर भी स्टोर हो जाएगी और समूह के अंदर भी स्टोर आएगी, वो दोनों का फंक्शन है। इस तरह जब प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट होगी वो भी दोनों के अंदर आ जाएगी, रफ भी करेगा ट्रांसपोर्ट, समूह भी ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो सेल को शेप देगी, जो सेल को सहारा देगी, वो भी दोनों के अंदर आ जाएगी, वो भी करेगा। तीन जो फंक्शन आगे वो तीन दोनों के क्या हैं? कॉमन है। उसके बाद तीन जो है ना वो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के फंक्शन है। वो सबसे पहला फंक्शन ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग या पॉइजन, वो कैसे करता है? OH ग्रुप उसके साथ अटैच कर देगा, जब OH ग्रुप अटैच होगा तो वाटर के अंदर वो हल हो जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और दूसरा इसका फंक्शन यह है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड कराएगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। और तीसरा इसका फंक्शन होगा वो नर्व की ट्रांसमिशन कराएगा, इंपल्स की नर्व के अंदर क्या कराएगा? ट्रांसमिशन होते हैं। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मौजूद होते हैं या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये जुड़े होते हैं। क्या? राइबोसोम होते क्या हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे दानों की तरह मौजूद होते हैं, या साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए हमें मिलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम सबसे पहले प्लाटी ने 1955 के अंदर से क्या किया था? डिस्कवर किया था राइबोसोम के ऊपर। अगर हम राइबोसोम की कंपोजिशन की बात करें तो राइबोसोम दो हिस्सों पे मुश्तमिल होते हैं। कितने हिस्सों पे? दो हिस्सों पे। एक उसका होता है राइबोसोमल आरएनए, क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। और दूसरा होता है प्रोटीन। राइबोसोमल आरएनए भी 50% राइबोसोम बनाता है और प्रोटीन भी 50%, मीन्स आधा वो बनाता है और आधा वो बनाता है। राइबोसोम छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच हालत में मिलते हैं। राइबोसोम 1955 के अंदर प्लाटी ने क्या किया था? डिस्कवर किया था राइबोसोम को 1955 के अंदर। और राइबोसोम की कंपोजिशन की बात करें तो राइबोसोम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, और एक हिस्सा उसके क्या है राइबोसोम का? राइबोसोमल आरएनए। और दूसरा क्या है? प्रोटीन। राइबोसोमल आरएनए भी 50% बनाता है और प्रोटीन भी 50% बनाता है। यह होगी उसकी कंपोजिशन किस चीज़ की? राइबोसोम की। अब पढ़ते हैं अक्रेंस ऑफ राइबोसोम, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अक्रेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली स्टेज के अंदर या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये क्या जुड़ी हालत में मिलती है। अब सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के सब यूनिट कौन से हैं? तो राइबोसोम दो यूनिट पर मुश्तमिल होता है। कितने यूनिट पर मुश्तमिल होता है? दो यूनिट पर मुश्तमिल होता है। और उन यूनिट के साम लिखते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। क्या कहते हैं? जैसे इकाई होती है हर चीज़ की, जैसे मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, हाइट की हर चीज़ की इकाई है, इसी तरह राइबोसोम की भी कही है जिसे हम क्या कहते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि किससे लिखा जाता है? एस से। किससे लिखा जाता है? एस से। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो जो कि यूकैरियोटिक सेल की, किसी की बात करें? यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम देखें तो ये होते हैं 60S प्लस 40S और मिलके बना रहे होते हैं 80S। समझ लगी है? 60S स्वेडबर्ग यूनिट एक यानी कि राइबोसोम, और दूसरा क्या होता है? 40S वाला। ये दोनों मिलते हैं और एक राइबोसोम बनता है, वो राइबोसोम कितना होता है? 80S का। वो कैसे होता है? 60 और 40 को जमा करें वो तो 100 हो जाएंगे। और इस तरह ये 80 क्यों हो रहे हैं? इस तरह 80 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया कि स्वेडबर्ग यूनिट एक इकाई है, एक है इकाई है। जैसे मैं ये बता देता हूँ कि इसकी हाइट की ये इकाई है, ये बाल पेड़ की, मतलब इसकी इकाई मिलीमीटर के अंदर, ये जिस चीज़ के अंदर सेंटीमीटर, जिस चीज़ के अंदर हम इसको कमाइज करना चाहें, अगर इसकी पैमाइश करें इन दोनों की, इसकी अलहदा कर लें और इसकी भी पैमाइश अलहदा कर लें, अगर इन दोनों की पैमाइश आप अलहदा अलहदा करें तो पैमाइश ज़्यादा होगी, क्योंकि इस तरह ये ऐसे अटैच होंगे, इसकी पैमाइश अलहदा इधर। मगर जब मैं इस कैप को इसके ऊपर चढ़ा दूंगा तो इन दोनों की जब इकाई होगी वो कम हो जाएगी, ये वही रहेगी। अगर ये अलहदा अलहदा मौजूद हूँ, इसकी आप पैमाइश करें, इस दोनों की जो मुकम्मल इकाई बनेगी वो ज़्यादा होगी ना, अलहदा अलहदा है। अगर मैं इस कैप को इसके ऊपर चढ़ा दूँ तो इकाई वही रहेगी या कम हो जाएगी। तो इस तरह जब ये अलग अलग होते हैं यूनिट के अंदर, जो एस होता है इसका, वो इकाई ज़्यादा होती है, जैसे 60 और 40 100 बनेगा। मगर जब ये आपस में मिलते होते हैं, मर्ज होते हैं आपस में एक दूसरे के अंदर, तो क्या बन जाता है? 80S। क्या बन जाता है? 80S। और एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है। एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। तो हमने इसकी किस चीज़ के अंदर पढ़ी है? हमने पढ़ रहे थे इसकी स्वेडबर्ग यूनिट यूक्रियाट्स के अंदर, और वो था 60, 40, 80। अगर हम इसकी प्रोक्रियाट की बात करें, किस चीज़ की? प्रोक्रियाट की, तो 60 की जगह के वो आ जाएगा 50 और 40 की जगह के वो आ जाएगा 30
और ये कितना बन जाएगा 70, कितना बन जाएगा 70। इस तरह 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, मगर 10 कम हो जाएगा क्योंकि जब आपस के अंदर मर्ज होंगे तो 10 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, कितना बन जाएगा 70। सर यो किस चीज के अंदर है, प्रोक्रियोट्स के अंदर, और ये किस चीज के अंदर है, यूक्रियोट्स। यूक्रियोट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, और प्रोक्रियोट्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता। तो ये है इसके स्वेप्ट, और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये जो इकट्ठे होते हैं यूनिट, किसके साथ इकट्ठे होते हैं, मैसेंजर आरएनए के साथ। इसको कंट्रोल करने के लिए मैग्नीशियम आयंस होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम। ये जो स्वेडबर्ग यूनिट होते हैं, जो राइबोसोम के यूनिट होते हैं, जैसे ये 40S है, ये स्मॉल यूनिट है, और ये क्या है, लार्ज यूनिट है। ये दोनों जब यूनिट इकट्ठे होते हैं स्मॉल और लार्ज, तो क्या बनता है, राइबोसोम बन जाता है। और इस राइबोसोम फिर ये अटैच होता है किसके साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ। अब मैसेंजर आरएनए के साथ जब अटैच होगा तो कंट्रोल कौन करेगा, मैग्नीशियम आयंस। कौन करेगा, मैग्नीशियम आयंस, इसको कंट्रोल करेगा अटैच होने के लिए। और ये बात भी बता दूं कि सबसे पहले चाहे प्रोक्रियोट्स हो या यूक्रियोट्स हो, तो सबसे पहले जो छोटा होता है राइबोसोम है, ये अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ। किससे अटैच होते हैं, मैसेंजर आरएनए। और सबसे पहले जो इसके दो यूनिट हैं राइबोसोमल के, दो यूनिट होते हैं, एक होता है स्मॉल यूनिट, एक होता है लार्ज यूनिट। स्मॉल यूनिट होता है वो 40 या 30 वाला होता है, और लार्ज यूनिट 60 या 50 वाला होता है। तो पहले मैसेंजर आरएनए जो चेन बनाता है उसके साथ जो अटैच होता है वो स्मॉल यूनिट अटैच होता है। कौन अटैच होता है, स्मॉल यूनिट। उसके बाद जो है ना लार्ज यूनिट अटैच होता है, किसके साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ। मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। अब मैसेंजर आरएनए के साथ जो अटैच होंगे उसके अंदर जो 40S होगा, जो छोटा स्मॉल यूनिट होगा, वो पहले अटैच होगा, और जो बड़ा होगा यूनिट वो क्या होगा, बाद के अंदर अटैच होगा। किसके साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच। और इस अटैचमेंट को कंट्रोल कौन करेगा, वह अटैच हो या ना हो, वो मैग्नीशियम आयन कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा, मैग्नीशियम। ये देखो मैग्नीशियम ने मैंने क्लिक किया, द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोमल यूनिट विद मैसेंजर आरएनए इज कंट्रोल्ड बाय मैग्नीशियम आयन, इज कंट्रोल्ड बाय मैग्नीशियम आयन। और ये मैग्नीशियम आयन की जो मुकम्मल एक चेन बनेगी उसको हम कहते हैं पॉलीसोम। क्या बनेगी, सॉरी मैग्नीशियम की नहीं, जो मैसेंजर आरएनए के साथ जो राइबोसोम की अटैच चेन बनेगी उसे हम कहेंगे पॉलीसोम। उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसोम। आपकी बुक के अंदर एक धागा नुमा दिखाया गया, उसके साथ राइबोसोम दिखाया, ये मुकम्मल क्या है, पॉलीसोम है। तो मैंने आपको ये बताया है कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम और सब यूनिट अटैच होते हैं किसके साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ। किस से अटैच होते हैं, मैसेंजर आरएनए के साथ। तो जो राइबोसोमल जो यूनिट होता है छोटा, वो पहले अटैच होता है, और जो बड़ा यूनिट होता है वो बाद के अंदर अटैच होता है। किसके साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ। और इसको कंट्रोल कौन कर होता है, मैग्नीशियम आयंस। कौन कंट्रोल करता है, मैग्नीशियम आयंस। और ये मुकम्मल एक राइबोसोमल सब यूनिट लगते जाते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ, और ये एक चेन जो बन जाती है उसको हम कहते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या है, द ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, द ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड विद सेम मैसेंजर आरएनए। जो एक ही मैसेंजर आरएनए से जो ग्रुप बनेगा राइबोसोम का, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसोम। क्या कहेंगे, पॉलीसोम। अच्छा, उसके अलावा राइबोसोम के बारे में एक और बात है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम बनते कहाँ हैं, राइबोसोम बनते कहाँ, कहाँ बनते हैं राइबोसोम, न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। क्या कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस। ये देखो ये एक न्यूक्लिये और न्यूक्लिये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान ये पोर है। पोर नजर आ रहे हैं आपको, नहीं नजर आ रहे। तो जो न्यूक्लिये जो राइबोसोम है वो न्यूक्लियोलस के अंदर जो सेंटर वाला जो सल पॉइंट है इसके अंदर बनते हैं। कौन बनते हैं, राइबोसोम। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। और राइबोसोम बनने के बाद इन छोटे छोटे पोर के जरिए ये बैसेट प्लांट के अंदर चले जाते हैं, इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर होते हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, बनने के बाद वो न्यूक्लियर पोर के जरिए कहाँ चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं। तो राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन एंड द न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ, हाँ, न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम एंड राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम एंड राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ।